अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, जो है कोरियन चिकन विंग्स की रेसिपी। हॉट एंड क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। तो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, ऑल पर्पस फ्लावर, और हम कोटिंग के लिए ये वाला मिक्सचर मिक्स करने वाले हैं। मैंने गार्लिक पाउडर, गार्लिक और चिल्ली पाउडर जो रेडीमेड मिलता है, उसको ऐड करना है, तो उससे और ज़्यादा थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और वाटर, मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सॉल्ट आता है। थोड़ा सा वाटर डाल के सेमी थिक पेस्ट बना लेना है। भी जो बैटर है उसको चिकन विंग्स में ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है सारे लिक्विड के साथ। अभी एक डिश में मैं ये जो फ्राई मिक्स है, चिकन फ्राई मिक्स, उसको निकाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप निकालना तो आपका वेस्ट नहीं होगा। इसमें सारा कुछ ऐड रहता है, ब्रेड क्रम्स भी ऐड रहते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी डायरेक्ट मैं इसको कोटिंग कर रही हूँ, सारे विंग्स को वन बाय वन करके अच्छे से कोटिंग कर लेना है। आप भी ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं और इजी है बनाने में। 25-30 मिनट्स में तो बनकर रेडी भी हो जाते हैं। सारे विंग्स को अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। जैसे ही कोटिंग हो जाती है उसको 10-15 मिनट्स के लिए फ्रिज में सेट होने रख देना है। अभी कोरियन सॉस रेडी करेंगे। तो मैंने ऑयल लिया था, सेसमी सीड और गार्लिक चिल्ली पाउडर जो था वो, और अभी मायो में मैं हनी ऐड कर रही हूँ। अभी जो हमने वो सेसमी सीड और गार्लिक चिल्ली वाला, वो ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपका कोरियन सॉस रेडी है और वन बाय वन करके ऐसे फ्राई कर लेना है। कितना क्रिस्पी बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।